अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मुतील हसन और आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज़। जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं पत्तों की से, जहां बिलावल भुट्टो के जलसा और लॉन्ग मार्च के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 1500 से ज्यादा पुलिस अफसरानों एहलकारों को ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया। मजीद तफसील जानते हैं पत्तों की में मौजूद अपने नुमाइंदा राना महबूब अहमद से। जी महबूब अहमद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पत्तों की बिलावल भुट्टो के जलसे और लॉन्ग मार्च के सिलसिले में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 1500 से ज्यादा पुलिस अफसरान व एहलकारों को ड्यूटी पर ममूर तैनात कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च के रूट और जलसागा की टेक्निकल लाश से सर्च एंड स्वीपिंग की जा रही है। रूट के 127 मकाम पर एहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि 27 पिक से पत्तों की शहर को कार्डन किया गया है। पत्तों की शहर की 110 अहम इमारतों की छतों पर एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पंजाब कांस्टेबल और दूसरी यूनिट से नफरी को तलब किया गया है। अली की गाड़ियों ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ लेडी कार भी ड्यूटी सरगर्म दे रही हैं। साफियों को कवरेज के लिए खसूसी कार जारी किए गए। निखिलाज का आजाद डीपीओ कसूर शहीद बशरू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जी इस वक्त तक बिलावल भुट्टो का जो काफिला है वो रनाला खुर्द पहुँच चुका है और रात 9 बजे पत्तों की पहुँचने की उम्मीद है।